बहुत दिनों से खबर आ रही थी कि हेरा फेरी 3 का तीसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने आ सकता है। अब इस खबर को चीरती हुई एक सच्चाई सामने आकर खड़ी हो गई है। जी हाँ, आपको अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल तीनों एक साथ इस मूवी के तीसरे भाग में देखने को मिल सकते हैं। इस मूवी का पहला भाग जो कि हेरा फेरी था, उसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था। उसके बाद फिर हेरा फेरी आई जिसे नीरज वोरा ने बनाया और अब तीसरे पार्ट की खबर आ रही है। अब तीसरे पार्ट को लेकर काफ़ी सारी अटकलें लगाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि अनीस बज्मी जो हैं वो ठीक हैं और नाडियावाला के साथ उनका डिस्प्यूट भी ठीक हो गया है। अब वेलकम बैक के डायरेक्टर हेरा फेरी 3 को फाइनलाइज कर सकते हैं और वापस से इसकी शूटिंग शुरू करी जा सकती है। आपको बता दें कि फिरोज खान और अनीस बज्मी के बीच में पहले काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे जो कि वेलकम बैक के आने से वापस से ठीक हो गए हैं। वहीं हेरा फेरी 3 जल्द ही लोगों के सामने अब नज़र आ सकती है। इसी की कड़ी के अंदर सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की एक सेल्फी भी वायरल हुई थी। और भी आपको बता दें कि हेरा फेरी 3 एक काफ़ी हिट फ्रेंचाइजी है जो कि 2000 से चालू हुई थी। इसकी पहली एक्ट्रेस थी तब्बू और दूसरी मूवी के अंदर बिपाशा बसु और रिमी सेन नज़र आई थी। हेरा फेरी 3 जल्द ही आपके सामने हो सकती है। इस बात का ऑफिशियल अनाउंसमेंट खुद अक्षय कुमार जल्द ही कर सकते हैं। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि ये मिलेगी आपको हर खबर सबसे पहले।